हे गाइस, आज हम लोग सीखेंगे थग लाइफ की ट्यून। बहुत सी वीडियोस में आपने देखा होगा वो चश्मा उड़ता हुआ आता है और एक म्यूजिक बजती है तररररा, उसके बाद फिर ये ट्यून बजती है। तो मैं इसको सिखाऊंगा फर्स्ट स्ट्रिंग पे, बहुत ही आसानी से आप सब पक्का सीख जाओगे। और मैंने तररररा ये वाला पार्ट यहाँ पर प्ले किया है, लेकिन मैं आपको ये पार्ट भी फर्स्ट स्ट्रिंग पे सिखाऊंगा ताकि आप ये वाला पार्ट तररररा और जो इसकी ट्यून है वो दोनों एक साथ प्ले करो बहुत ही आसानी से। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक टिप दूंगा जिससे आप इसी ट्यून को यूज करके अपनी प्रैक्टिस को बहुत इंप्रूव कर सकोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे यहां से, जीरो ऑन फर्स्ट स्ट्रिंग, और तुरंत इसको ऐसे म्यूट कर लेंगे इस हाथ से, और इसके सारे नोट जो है वो म्यूट कर करके ही प्ले करेंगे, तभी ओरिजिनल जैसी फील आएगी। उसके बाद फिर सेवन, ठीक है। अब सेवन पे मैंने ये वाली फिंगर रखी, देखिए ये वाली, ठीक है। आप क्या करना कि ये वाली फिंगर मत रखना, ना ये वाली फिंगर रखना। ये मैं फिंगर रखने से इससे फायदा ये होता है कि आपकी ये वाली फिंगर फ्री है। अब क्या होगा, अगला नोट मुझे हिट करना है यहां पर, तो मैं खटाक से फिंगर रख लूंगा। अगर मैं ये वाली फिंगर रखता हूं तो ऐसे ऐसे भागता रहूंगा, जो कि बहुत मुश्किल हो जाता है फ्लो बनाने के लिए। इसलिए मैं जो जो फिंगर रख रहा हूं, आप वही वही फिंगर रखोगे तो आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। तो फिर से शुरू करते हैं, जीरो देन सेवन देन सेवन फाइव सेवन देन फाइव थ्री फाइव देन फाइव देन थ्री देन जीरो देन थ्री। अब इसको हम लोग एक बार मिलाकर प्ले करते हैं, देखते हैं कैसा आता है। अब इसी को हम लोग रिपीट करेंगे, बस इतनी ही ये ट्यून है। अब तररररा ये वाला पार्ट सीखते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, जीरो जीरो दो बार, देन टू टू देन थ्री, और म्यूट कर लेंगे। तो इसको मिलाकर प्ले करेंगे, ऐसा आएगा। इसको आप स्पीड में प्ले करना ऐसे, समझ गए। अब हम लोग ये वाली पार्ट को और वो वाला पार्ट जो ट्यून था उसको अगर मिलाकर प्ले करेंगे तो ऐसा कुछ आएगा। तो ये कुछ इस टाइप का साउंड करेगा जब हम दोनों पार्ट को मिलाकर प्ले करेंगे, और इसके कॉर्ड्स और नोट्स आपको मेरे ब्लॉग पर मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग उस टिप की बात करते हैं जो मैंने वीडियो के शुरू में बताया था। तो वो टिप ये है कि इस ट्यून को मैंने फर्स्ट स्ट्रिंग पे बजाना सिखाया है, लेकिन आप सेम फिंगर पोजिशंस को यूज करके आप इसी ट्यून को किसी भी स्ट्रिंग पे बजा सकते हो। इससे आपका फायदा क्या होगा कि आप सिक्स स्ट्रिंग, फोर्थ स्ट्रिंग, थर्ड स्ट्रिंग, किसी भी स्ट्रिंग पे आप इसकी प्रैक्टिस कर सकोगे। जैसे मान लीजिए थर्ड स्ट्रिंग पे हमको इसी ट्यून को बजाना है सेम फिंगर पोजीशन यूज करके, तो हम लोग ऐसे बजाएंगे। और तररररा, ठीक है, ऐसे ही आप सिक्स स्ट्रिंग पे बजा सकते हैं, आप ट्राई करके देखना। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप सभी स्ट्रिंग पे प्रैक्टिस करें। की चेंज हो जाएगी, लेकिन की चेंज होने से कोई दिक्कत नहीं है, आपकी प्रैक्टिस इंप्रूव होगी तो आप किसी भी की में उसको बजा लोगे। और ऐसी और भी आसान गिटार की वीडियोज़ सीखने और देखने के लिए मेरे और भी वीडियोज़ आप देख सकते हैं।